हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर किड्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको रोज़ आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कॉमन सेंटेंस यूज इन क्लासरूम, जो क्लासरूम के अंदर यूज होते हैं, आज हम उन सेंटेंस को आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कम कम मीन्स होता है आओ। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर जैसे लिखा है कम इन, कम इन मतलब होता है अंदर आओ। सिट डाउन मीन्स होता है बैठ जाओ। फ्रेंड्स, आपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं, है ना, जब आप इंग्लिश में थोड़ा छोटे छोटे वर्ड्स बोलेंगे तो आपके बच्चे भी कुछ नया सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गो आउट, गो आउट मीन्स होता है बाहर जाओ। स्टैंड अप मतलब होता है खड़े हो जाओ। कीप राइटिंग मतलब होता है लिखते रहो। स्टार्ट रीडिंग मतलब होता है पढ़ना शुरू करो। जैसे कि भी लिखा है डोंट लॉफ मतलब हंसो मत। लुक हेयर यहाँ देखो। ओपन द बुक किताब खोलो। क्लोज द बुक किताब बंद करो। रीड दिस यह पढ़ो। राइट दिस यह लिखो। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, और हम आपके लिए नई नई वीडियो इसी प्रकार छोटे छोटे वाक्य लेके आते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।